नागपूर येथील काँग्रेसच्या नगरसेविकाच्या घरी जाऊन एका कुख्यात गुंड्याने शुक्रवारी हल्ला करण्याचा प्रयत्न केला. परिसरात लोकांची गर्दी जमत असल्याचे बघत आरोपीने दुचाकीवरून धूम ठोकली. या प्रकरणी पोलिसांनी आरोपी विरोधात गुन्ह्याची नोंद केली आहे. मात्र या घटनेनंतर परिसरात तणावाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. उंटखाना प्रभागाचे काँग्रेसचे नगरसेवक असलेले तिवारी सकाळच्या सुमारास आपल्या घरी असता खालच्या माळावर त्यांचे मोठे बंधू शैलेश तिवारी आणि अन्य नातेवाईक होते. अचानक कुख्यात आरोपी फ्रान्सिस शिविगाळ करीत तिवारी यांच्या घरावर चालून आला. तिवारी यांच्या कथनानुसार त्यांच्या हातात माऊजर होते. अन्य एकाजवळ पिस्तूल तर अन्य 3 ते 4 जणांजवळ सब्बल आणि तलवार होती. त्यांनी गुड्डू यांना उद्देशून शिविगाळ केल्याने शैलेश तिवारींनी त्यांना गेटजवळ अडवले. बराच वेळ आरोपी शिविगाळ करीत होता तेवढ्या तिथे एक स्कूल ऑटो आला. एका हल्लेखोराने ऑटोवर तलवार मारल्याने ऑटोची काच तडकली. दरम्यान आरडाओरड ऐकून आजूबाजूची मंडळी गोळा झाल्याने हल्लेखोरांनी पळ काढला. यहां के लोकल में कॉर्पोरेटर है गुड्डू तिवारी, उनके भाई शैलेश तिवारी कल अपने घर में थे. करीबन दोपहर को 12:15 का समय था. उस टाइम एक लोकल क्रिमिनल है रॉबर्ट एलेक्स फेलिक्स, मैंने रॉबर्ट आशीष रॉबर्ट फेलिक्स और उसके 2-3 साथीदार इसे उनके घर में गए थे. और वो उन्होंने योगेश तिवारी यानी गुड्डू तिवारी जो नगर सेवक है उनके बारे में पूछा तो भाई ने बोला नहीं है घर पर. तो उसने उसको गाली गलौज किया, धमकी दी जान से मारने की और उस टाइम उसके हाथ में तलवार वगैरह थी. और बाद में उनको निकलने हकलने के बाद वो वहाँ से चले गए. जाते टाइम पहले उसके पहले आने से पहले वो उनके ऑफिस में गए थे. नगर सेवक जो तिवारी थे उनके ऑफिस में गए. ऑफिस में उनके बारे में पूछा तो ऑफिस के जो बॉयज थे उन्होंने बोला कि नहीं है. तो वहाँ से वो उनके घर पर गए. ये मामला था. बाद में तिवारी उनके भाई साहब इधर आ गए और हम लोग ने उनके जो रॉबर्ट फिलिप्स और उसके 3 साथीदार इनके खिलाफ केस रजिस्टर किया. अभी तक आरोपी नहीं मिले. लेकिन कल दोपहर से मेरा स्टाफ उनके पीछे है लेकिन अभी तक हाथ में नहीं है. वो भाग रहे, दौड़ रहे हैं लेकिन मिलेंगे, जल्दी से जल्दी मिलेंगे. ज़्यादा उनको ज़्यादा लंबे तक नहीं जा सकते. या घटनेनंतर परिसरात उलटसुलट चर्चेला उधाण आले असून गुड्डू तिवारी आपल्या कार्यकर्त्यासह इमामवाडा पोलीस ठाण्यात पोहोचले. त्यांनी तिथे फ्रान्स विरुद्ध तक्रार नोंदवली. पोलिसांनी विविध कलमानुसार आरोपी विरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे. जिसके ऊपर ऑलरेडी 3 मर्डर है, हाफ मर्डर है, वैनों के गुने हैं और ऐसा अनेक गुने उसके कारण है. जब से मैं कॉर्पोरेटर बना हूँ तब से उसको मैं अपने एरिया में असामाजिक तत्वों को लाने में और एक जो धंधे करता हूँ बंद करने के लिए हरदम टोकते रहता था. और इस जब एक देर जब मैं इलेक्शन जीता, जीतने के बाद उन्होंने बाबूलाल जांगीर करके हमारे सामने में फर्नीचर का दुकान है ऑफिस के सामने, उसके यहाँ वसूली के लिए गया था. तो मैंने उसको मना किया और उसकी कंप्लेंट की. कंप्लेंट करने का उसको MPT लगाया गया. MPT लगाने का साल बर्बाद हो बाहर आया और उस वक्त से उससे मेरी दुश्मनी चालू है. नगर सेवक तिवारी यांच्याशी विचारणा केली असता त्यांनी आरोपीशी जुना वाद असल्याचे सांगितले. आरोपी यापूर्वी परिसरातील व्यावसायिकाकडून मोठ्या प्रमाणात खंडणी वसूल करायचा. त्यांची खंडणी बंद करून आपण त्यांच्या विरुद्ध वरिष्ठ अधिकाऱ्याकडे तक्रारी केल्या, त्यामुळे त्यांच्यावर MPDAची कारवाई झाली होती. त्याचमुळे तो कारागृहातून बाहेर आल्यापासून आपल्याला खुनाच्या धमक्या देत असल्याचे तिवारी यांनी सांगितले. आज तो बरे वाईट करण्याच्या इराद्याने चालून आला होता असेही तिवारी म्हणाले. कॅमेरामॅन मिथुन आदमणेसह क्षितिजा देशमुखची रिपोर्ट, सिटी विदर्भ न्यूजसाठी.